सरकार इस बात को सुन ले कि हम घुटने नहीं टेकने वाले हैं। और खेदर वालों को भी ये प्रार्थना है, सारा हरियाणा आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है। घर घर से बाहर निकलो और गांवों का सम्मान केवल बचाना नहीं है, सम्मान बढ़ाना है और इस सरकार का इलाज करना है, इलाज करना है। जब जाकर के हमें तसल्ली मिलेगी, दोनों हाथ उठा के इस बात का समर्थन करें। धन्यवाद। मैं अपनी बात को पूरा करते हुए जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको भी हम ये बात बताना चाहते हैं। इस मामले को लेकर के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कुछ नए लोग आंदोलन में आए, अचानक आए और उन्होंने आकर के आंदोलन को हिंसक बना दिया। यह बिल्कुल गलत बात है। किसी भी उप मुख्यमंत्री को या दुष्यंत चौटाला को यह अधिकार नहीं है, हमने अपना आदमी खो रखा है, हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। गलती उन्होंने कर रखी है, गलती हमने नहीं कर रखी। दुष्यंत चौटाला जो जड़े के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे, ऐसे बयानों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी एक प्रार्थना है सबसे, बार बार ये बात आ रही है, यहां सारे नौजवान साथी भी बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा कोई काम मत करना। किसी ने कर दिया वो कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा कोई काम मत करना जो सबके लिए सबका सिर शर्म से झुका दे। यहां सारे नौजवान साथी बैठे हैं, बार बार बात आ रही है, बहुत सारे वक्ता भी बोल रहे, हमारे जो नौजवान साथी हैं, आप श्योराम गिरी जी को मानते हो, शांति गिरी जी को मानते हो, दादा खेड़ा को मानते हो, आप अपने इन नेताओं को मानते हो, दोनों हाथ उठा के इस बात का, इस पंचायत को, इस सभा में विश्वास दिलाओ कि जो कमेटी का फैसला होगा उसको सिर झुका करके मानेंगे सब लोग। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, अनुशासन के बगैर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपके आगे आपके नेता खड़े हैं, अगर कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा तो हम आपके आगे खड़े हैं। जो कुछ होगा वो पहले हमारे साथ होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, पहला आपका नंबर नहीं है। लेकिन अनुशासन मत तोड़ना। और लड़ाई हारेंगे नहीं, हमारी कोई लड़ाई एमएलए बनने की नहीं है, हमारी कोई लड़ाई मंत्री बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई हक की है और हक की लड़ाई जीतेंगे। जो प्रशासन ने चालाकी करी, जो धर्मपाल सारण जी हैं, बिल्कुल बार बार ये बात आई कि उनकी मौत पुलिस की लाठी से हुई है और पुलिस प्रशासन ने चालाकी दिखाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए दूसरा वीडियो जारी किया कि ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हुई है। हम हर तरह से मजबूत हैं, हर बात का मजबूती से जवाब देंगे और उस कमेटी में हम उपस्थित होने के नाते पूरे गांव को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कोई बात कमजोरी से हमारे नेताओं ने नहीं करी अब तक, वो आपके लिए सीना ठोक करके बात कर रहे हैं। या तो बातचीत सिरे चढ़ेगी या तो समाधान निकलेगा, नहीं तो 13 तारीख की जो महापंचायत है, गांव के ऊपर जिम्मेदारी है, आप हाथ पर हाथ धर करके ना बैठे। एक तरफ बातचीत चलेगी, दूसरी तरफ आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा और जो जो हमारे कानूनी पहलू हैं उनके ऊपर हमें ताकत लगानी पड़ेगी। पूरी गांव से, पूरी इस पंचायत से अपील है, 13 तारीख को केवल और केवल 48 घंटे से भी कम का समय है,
पूरी अपनी जिम्मेदारी समझ करके महापंचायत की तैयारियां करें। सिर जुड़ेंगे तो सरकार झुकेगी। हमारे पास यही केवल एक रास्ता है। आज पूरे गांव के सम्मान की बात है, हरियाणा के सम्मान की बात है, आपके इन नेताओं के सम्मान की बात है। सारे ताकत लगा दो और पूरी ताकत लगा दो। लड़ाई हमारी आमने सामने की है। बगैर पूरा न्याय लिए हम यहां से उठ के जाने वाले नहीं है। जो जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर सरकार को स्वाभिमान के साथ झुकना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे आंदोलन की विजयी हासिल होगी। आपने मेरी बात सुनी, मुझे समय दिया, और कोई बात मेरे से गलत निकली भी हो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाओ। ये खेदड़ गांव बड़ा क्रांतिकारी है। किसान आंदोलन के आप गवा रहे हो। पूरा इस बात का विश्वास दिलाओ कि ना तो खुद गलत काम करेंगे, ना दूसरे को करने देंगे, ना हिंसा करेंगे, ना हिंसा करने देंगे। और हम भी इस बात के ऊपर, क्योंकि उस दिन भी बार बार अपील करी जा रही थी, लेकिन जब अनुशासन टूटता है तो लड़ाई कमजोर होती है। तो सभी साथियों से यही प्रार्थना, यही अपील है कि अपने अनुशासन को बना के रखें, धैर्य को बना के रखें और शांति से इस आंदोलन को ताकत दें और 13 तारीख की तैयारी करें। आपने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।